दुर्ग जिले के कुम्हारी में कल देर रात सड़क हादसा हो गया है। यही वो सड़क है कल यहाँ से केडीआर डिस्टिलरी की जो बस है वो यहाँ से गुजरती है। यह सड़क देख सकते हैं किस प्रकार से है, सड़क है और इसके दोनों तरफ देख सकते हैं कि खाई है, लगभग 30 फीट की है जो खाई है। और कल बस अनियंत्रित होकर यहाँ से सीधी, आप देख सकते हैं यहाँ से तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि 30 फीट की जो खाई है यहाँ से बस अनियंत्रित होती है और इसके बाद वो सीधी नीचे गिर जाती है। और गिरने के बाद अभी 14 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और कम से कम 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बस गिरी है वो बहुत ही कंडम स्थिति में थी और जो कि बहुत पुरानी हो गई है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे ही समझ लेते हैं कि क्या स्थिति बनी। दादा, आप कल रात में यहाँ मौजूद थे? हाँ, 8:30 बजे मैं आया देखने के लिए, पता चला। कैसी क्या स्थिति थी बस की? बस की ऊपर चक्का निकाल कर यहाँ पर पहले भी मैंने सुना है कि इससे पहले भी हादसा हो चुका था यहाँ पर और कई लोगों की पहले आदमी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि सड़क है, यही एक बस है। कल इसी तरह का रात में बस आ रही थी, ये भी इसी हिसाब की बस है और वहाँ से काम करके लौट रहे थे, लेकिन अंधेरी रात में बस अनबैलेंस हुई और अनबैलेंस के चलते खाई में गिर गई है। आप देख सकते हैं बस की कंडीशन बिल्कुल कम है, बस कोई मेंटेनेंस नहीं लग रहा है, बस का कुछ भी देख रेख इस बस की नहीं लग रही। इसी तरह से वो जो बस है जो हादसा हुआ है वो सेम बिल्कुल इसी तरह की बस थी जिसमें 50 लोग सवार।